दोस्तों स्वागत है आपका एशिया कप 2018 से जुड़ी एक नई वीडियो में। दोस्तों एशिया कप 2018 के लिए टीम इंडिया का अनाउंसमेंट हो चुका है और आप पूरा का पूरा स्क्वाड जाके ऊपर के आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। सबसे बड़ी खबर ये कि दोस्तों यहां पर जो है विराट कोहली को रेस्ट दिया गया है और रोहित शर्मा जो है वो कप्तानी करने वाले हैं एशिया कप 2018 में। और ऐसे में दोस्तों बड़ा सवाल ये बनता है कि विराट कोहली के बिना क्या होगी टीम इंडिया की प्लेइंग 11, वो कौन से 11 खिलाड़ी हैं जो नजर आएंगे हमें खेलते हुए एशिया कप 2018 में, क्योंकि विराट कोहली जो है वो रहने वाले हैं बाहर। तो इस वीडियो में दोस्तों हम बात करने वाले हैं उसी प्लेइंग 11 की, प्रोबेबल प्लेइंग 11 की। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और अगर वीडियो आपको पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं ओपनर्स की, जो कि बिल्कुल फिक्स है, रोहित शर्मा और शिखर धवन। ओडीआई में टीम इंडिया की बेस्ट ओपनिंग पार्टनरशिप यही है करेंटली और यही जो है हमें एशिया कप 2018 में भी दिखाई देने वाली है। दोस्तों बात करें नंबर 3 की, यानी विराट कोहली की जगह की, तो वैसे तो विराट कोहली की जगह कोई भी नहीं ले सकता, लेकिन विराट कोहली के बाद अगर देखें बेस्ट रिप्लेसमेंट कौन खेल सकता है नंबर 3 पर, तो वो है दोस्तों केएल राहुल। और केएल राहुल ही हमें खेलते हुए दिखाई देंगे नंबर 3 पर। नंबर 4 की अगर दोस्तों बात करें तो यहां पर टीम इंडिया के पास दो ऑप्शन है, पहले तो मनीष पांडे और दूसरे हैं दिनेश कार्तिक। इन दोनों में से कोई एक जो है वो खेलने वाला है। ज्यादा चांसेस की अगर बात करें तो वो है दोस्तों मनीष पांडे की, और चौथे नंबर पर हमें मनीष पांडे ही खेलते हुए दिखाई दे सकते हैं। पांचवें नंबर पर यहां पर आएंगे दोस्तों अंबाती राइडू, जो कि यो टेस्ट क्लियर कर चुके हैं और वापसी करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। उनके बाद होंगे दोस्तों महेंद्र सिंह धोनी, विकेटकीपर बैट्समैन। उनके बाद आएंगे दोस्तों ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या। उनके बाद दोस्तों भुवनेश्वर कुमार। दो स्पिनर होंगे कुलदीप यादव और युजविंदर चहल, और लास्ट में होंगे जसप्रीत बुमराह। ये दोस्तों प्रोबेबल प्लेइंग 11 है जो कि हमें दिखाई दे सकती है एशिया कप 2018 में। दोस्तों बात करें बेंच की, तो यहां पर केदार जाधव, अक्षर पटेल, खलील अहमद, दिनेश कार्तिक और शार्दुल ठाकुर। इनमें से दोस्तों अगर बात करें बेंच में से, तो सिर्फ एक कार्तिक ही है जिनको जो है परफेक्ट प्लेइंग 11 में जगह मिल सकती है, बाकी जो है दोस्तों वो है सेकंड चॉइस। अगर कोई प्लेयर फ्लॉप होता है तो उनकी जगह पर जो है इन प्लेयरों को जगह मिल सकती है। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। दोस्तों आपको अगर लग रहा है क्या होने वाली है परफेक्ट प्लेइंग 11, कौन कौन से चेंज जो है इस प्लेइंग 11 में आप देखना चाहते हैं, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। क्या इस प्लेइंग 11 के साथ टीम इंडिया एशिया कप 2018 जीत सकती है, पाकिस्तान को हरा सकती है? अपनी राय जरूर दें। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।